क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

ठीक है हमने देखा कि फंजाई में एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमने फंजाई के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा अब लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपको उनके आंसर करने हैं आपको बताना है कि उन प्रश्नों का उत्तर क्या है ठीक है और ये कमेंट में आपको लिख भेजना है बेटा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है चलिए तो मेरी ओर से जो है मैं अपनी वर्चुअल कमांडो को बोलता हूँ आपसे क्वेश्चन करेगी तो देखिए आप क्वेश्चन ये है हाँ ये दोनों ट्विन्स हैं ठीक है क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइसीलियम माइसीलियम क्या होता है बताइए माइसीलियम क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइसीलियम के बताइए बेटा क्या होता है क्या होता है ठीक है आपको बताना है माइसीलियम क्या होता है स्केल रोशिया क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोलीपोर सेप्टम डोलीपोर सेप्टम का मतलब क्या होता है व्हाट इज द जेन कॉर्पर स्पिटैन कॉर्पर क्या होता है स्पिड कॉर्पर क्या होता है स्पिड जैन स्पेलिंग स्पिट कॉर्पर क्या होता है ठीक है आपको बताना है वॉट इज राइजोमॉर्फ व्हाट वॉट इज राइजोमॉर्फ आपको बताना है वॉट इज हा लास्ट क्वेश्चन है वॉट इज प्लेक्टेन का ठीक है तो ये टर्मोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है यानी फंजाई पढ़ रहे हैं और टर्म भूल गए हैं तो गड़बड़ काम है के आपको पता होना चाहिए कि माइसिलियम क्या है क्या है डोलीपोर सेप्टम क्या है स्पिड कॉर्पर क्या है राइजोमोर्फ क्या है प्लेक्टेन कायमा क्या है और लास्ट के एलएसडी का फुल फॉर्म क्या है ठीक है ये क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ठीक है तो इन प्रश्नों के के उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए के थोड़ा थोड़ा मेहनत लगेगा लगेगा एफर्ट दिमाग पे जोर भी लगेगा लेकिन जरूरी है बेटा ठीक है ना चलिए आज हम बात करेंगे फंजाई में उपर, फंजाई में न्यूट्रिशन के ऊपर का पोषण किस तरह का होता है किस प्रकार से फूड को लेती एक बात तो है क्लियर है सभी फंजाई में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है सभी फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफ होती है प्लांट्स के अदर एनिमल के फूड के ऊपर वो डिपेंडेंट होती है मतलब अपना फूड वो खुद नहीं बना सकती है दे आर इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो मैंने आपको बताया था बेटा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड के ऊपर एंजाइम को फूड के पास एंजाइम को रिलीज कर देगी जब फूड पच जाएगा जब डाइजेस्ट होगा उसको वो एब्सॉर्व करेगी फंजाई की तीन कैटेगरी होती है सेप्रोफाइटिक होती है जो कि डेड और डिकेमेटर पे ग्रो करती है डेड और डिकेमेटर पे ग्रो करती है सिम्बॉटिक होती है जो दूसरे ऑर्गेनिक के साथ में एसोसिएशन बनाकर रहती है जैसे कि हम कहते हैं फंजाई और एलगी का सिम्बाटिक एसोसिएशन क्या होता है लाइकेन फंजाई और हायर प्लांट की रूट का सिम्बाइटिक एसोसिएशन क्या होता है माइकोराइजा ठीक है फंजाई जो है वो परजीवी होती है पैरासिटिक होती है याद रखिएगा जो भी फंजाई जो है वो बीमारी पैदा करती है रोग पैदा करती है वो पैरासिटिक फंजाई होती है ठीक है चलिए पहले बात करते हैं हम क्या होती है? दे ग्रो एंड ये सड़े गले पदार्थों पे ग्रो करती है, दे और इन वर्ड का मतलब समझ लीजिए के देखो है ना एक एक चीज को देखो कॉन्सेप्ट को समझो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि कुछ जगह पे आपको टर्मोलॉजी को समझना पड़ेगा टर्म का मतलब क्या उस शब्द का मतलब क्या है मैंने आपसे कहा ऑब्लिगेट इसका हिंदी मतलब होता है अविकल्पी ठीक है इसका मतलब होता है इंग्लिश में इसका ढूंढे तो हम बोलेंगे नॉन ऑप्शनल कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास में ठीक है नॉन ऑप्शनल इज ऑप्शनलिगेट ठीक है जब मैं कहता हूं ऑब्लिगेट इसका मतलब यह है कि वो केवल और केवल डेड और डिकेमीटर पर ही ग्रो करेगी कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है ठीक है तो ऑब्लिगेट वर्ड जब हम किसी चीज के आगे लगाते हैं तो उसका मतलब है कि वो चीज एसेंशियली करनी ही पड़ेगी ठीक है मैंने कहा ऑब्लीगेट एरोबिक मतलब ये ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए चाहिए मैंने बोला ऑब्लिगेट एनारोबिक मतलब इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन माध्यम चाहिए यदि तो तो कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है ठीके? क्लियर तो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट मतलब है कि अविकल्पी मृतोपजीवी मतलब ये है कि नो नॉन ऑप्शनल डेड और डिकेमीटर पे ग्रो करने वाली ठीक है जब मैं वर्ड यूज करता हूं फैकल्टेटिव जब मैं वर्ड यूज करता हूं facultative तो इसका मतलब होता है बेटा हिंदी में इसका मतलब होता है है? ठीक में ना बोलेंगे बोलेंगे तो बोलेंगे मतलब मतलब आपसे फैकल्टेटिव सुनना वर्ड को बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा है ना एग्जाम में गलती होती है मैंने कहा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का इसका मतलब यह है कि यह विकल्प के तौर पर विकल्प के तौर पर विकल्प के तौर पर यह बन गया है मृतोपजीवी, ठीक है या मैं इंग्लिश में तो बोलूंगा कि इट बिकम ऑप्शनली ऑप्शनली इट बिकम्स सेप्रोफाइट मतलब इसकी पहली प्रायोरिटी यह नहीं थी यह नहीं तो वो सही ऑप्शनल का मतलब क्या है कि भाई हमारे को यह नहीं मिला तो हमने वो ले लिया ठीक है

फैकल्टेटिव एनारोबिक सुनिए बात मैंने आपसे बोला व्हाट इज फैकल्टेटिव एनारोबिक अब बताओ मुझे इस वर्ड का मतलब क्या मतलब इसका मैंने आपसे कह दिया है विकल्पी आवाईवी फैकल्टेटिव एनारोबिक इस वर्ड का मतलब क्या है मुझे बताइए देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं ठीक है चलिए यदि फंजाई डेड और डिके मेटर पे ग्रो ना करे तो आपको पता है ये पूरी धरती जो है वो कचरे से भरा जाएगी के सब तरफ जो है वो गार्बेज ही गार्बेज के तो करती है वो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट इन में तोड़ती है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक न्यूट्रंट में तोड़ देना ये काम करती है फंजई ने आपसे मैं पूछूं ना कि आप इंपॉर्टेंट है इस प्रकृति के नेचर के लिए आप और हम इंपॉर्टेंट है या फंजाई इंपॉर्टेंट है तो डिकम्पोजर के बगैर अर्थ का इको सिस्टम के याद रखिए हम उतना सिग्निफिकेंट नहीं जितना सिग्निफिकेंट ये फंजाई है क्लियर तो वट वुड हैपन इफ वुड वॉज नॉट तो लकड़ियों का ढेर लग जाएगा जंगल में जंगल में जो है वो लकड़ी जो भी प्लांट्स हैं वे ऑर्गेनिक मेटेरियल ट्रैप हो के जाएगा असल में रिसाइकलिंग ऑफ मेटेरियल कार्बन की रिसाइकलिंग में डिकम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो जो मेटेरियल है ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाए हैं उसको तोड़ना भी जरूरी है और मेटेरियल के लिए हमारी अर्थ एक क्लोज सिस्टम है तो मेटेरियल का फ्लो रुक जाएगा तो जो न्यूट्रिय साइकिलिंग है उसमें भी फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ठीक है फंजई आर दर्गेज दैट कैन कंप्लीटली डिकम्पोज लिग्नि वाव ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिग्निन को डिकम्पोज करने वाले एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो कि बुड को बनाने वाला मेटेरियल होता है ठीक है लिग्निन मस्ट बी ब्रोकन डाउन बिफोर एनी डिकम्पोजिशन कैन ऑकर मस्ट भी ब्रोकन डाउन बिफोर एनी अदर डिकम्पोजिशन कैन ऑकर के तो मैंने क्या कहा कि को, कोई भी तरह का डिकम्पोजन पहले लिग्निन को तोड़ना ही पड़ता है और फंजाई के बगैर ये डिकम्पोजन नहीं हो सकता है के फंजाई सरडोस को भी डिकम्पोज करती है बेटा और ऐसा याद रखिए ध्यान दिए बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि फंजई प्ले ए वेरी मजर इंपॉर्टेंट रोल इन दी ग्लोबल कार्बन साइकिल किसी ने बड़ी अच्छी चीज पूछी कल मुझसे कि सर आप बोलते हो इसको फंजाई ये तो लिखा है फंगी हम क्या फंगी नहीं बोल सकते अब भैया देखो ऐसे क्वेश्चन का तो कोई आंसर नहीं है ना आप इसको फंजाई बोलिए फंगी बोलिए लेकिन प्रश्न से आंसर सही एग्जाम में करके आना समझ गए ना ठीक तो आपको क्लियर कर दू मैं कि क्वेश्चन आपका जो है वो इिलेवेंट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में आप जाएंगे तो आपको वहां फंगी बोलते लोग नजर आएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में इसको फंगी ही प्रोनाउंस किया जाता है जबकि जो है ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फंजाई प्रोनाउंस किया जाता है ठीक है चलिए तो ये इलेवेंट क्वेश्चन है बेटा ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार है ना ठीक चलिए

पायोनियर ऑर्गेनिज्म होते हैं जीवन की शुरुआत करते हैं वो होते हैं लाइकेन के लाइकेन किसी चट्टान पर जहां कोई लाइफ नहीं है उस चट्टान के ऊपर जो है ग्रो करके वहां पर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और कई सौ वर्षों के बाद वहां पर एक बड़ा फॉरेस्ट आपको देखने मिलेगा हर बड़े फॉरेस्ट की शुरुआत लाइकेन से ही हुई है याद रखिएगा इजा क्या होते हैं ये माइको मतलब होता है फंजाई राइजा मतलब होता है रूट ठीक है फंजाई का रूट के साथ में सहजीवी संबंध को माइक्रोइा कहते हैं और जिसको ऑलरेडी हमने मिनरल न्यूट्रिशन में डिस्कस किया हुआ है ठीक है क्लियर चलिए तो हम देख रहे हैं ये लाइकन आप देखें कि फंग, जो है लाइकेन में फंजाई और एलगी क्लोज एसोसिएशन बनाकर रहते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं एलगी का काम होता है फूड को पकाना के भोजन को बनाना मतलब जो फूड को सिदिज करना फूड को तैयार करना ये एल्गी का काम होता है फंजाई का काम होता है उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना जो जो मिनरल uh, न्यूट्रिएंट चाहिए और जो उसको वाटर एब्जॉर्ब करना है तो वो सब जो काम होता है फंजाई करके तो कई लोग लाइकेन को हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहते हैं ठीक है लाइकेन जो है दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म के ये बेस्ट एग्जांपल होते हैं तो जो फंगल पार्टनर होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोबाइट लाइकेन में फंगल पार्टनर को माइको बोलते हैं और एलिगल पार्टनर को हम एलेगल पार्टनर को हम क्या बोलते हैं एलिगल पार्टनर को हम जो है वो फाइको बोलते हैं इसको हम ठीक है, है जो फंगल पार्टनर है वो माइको बायोड कहलाता है जो एलगल पार्टनर है वो फाइको बायोड कहलाता है तो आप देख रहे हैं और की लेयर आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ बैठ के और जो लाइकेन के स्पोर होते हैं उन्हें हम सोरिडिया बोलते हैं सोरिडिया क्या होते हैं दर दी स्पोर ऑफ लाइकेन ये स्पोर ऑफ लाइकेन ये लाइकेन के स्पोर होते हैं हम सोरिडिया कहते हैं ठीक है क्लियर देखिए आप ना एक चट्टान है निर्जन चट्टान है उस पर लाइफ नहीं है वहां वहां पर देखिए ऐसे ग्रो करेगा दीमें दीमें वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बढ़ाएगा ऑर्गेनिक घटक बढ़ेगा कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा और वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा और उसके बाद वहां पर जो है कई सौ वर्षों के बाद पे एक बड़ा फॉरेस्ट लग चुका होगा इस दौरान कितनी स्टेप स्टेप्स होती है यह सब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में क्लियर देखिए आप देख रहे हैं फंगल हाइफी दिखाई पड़ रहा है आपको ठीक है आपको एलगल पार्टनर दिखाई पड़ रहा है और एक फ्रूटिकोज लाइकन होता है एक फोलियोज लाइकन होता है लीफ के समान दिखाई पड़ता है फ्रूटिकोज लाइकन आपको जो है वो फ्लावर के समान दिखाई पड़ता है हालांकि सबसे पहले जीवन की शुरुआत जो है वो क्रिस्टोज लाइकोन से लाइकन से ही होती है

चलिए और दूसरा संबंध क्या है लाइक माइक्रो आइजा की बात करें माइक्रोइा फास्फेट का न्यूट्रिशन प्रमोट करते हैं ये जिम्नोस्पर्म में कॉमनली देखने मिलते हैं व्हाई कॉमन इन जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म क्योंकि की रूट के अंदर रूट हेयर नहीं होते हैं इसलिए वहां पर माइक्रोइा जो है वो रूट हेयर के रूप में काम करता है फंजई रूट हेयर के समान काम करती है फंजाई को फूड मिलता है और बदले में प्लांट को जो है वो न्यूट्रिय मिलते हैं स्पेशली मिनरल न्यूट्रिय Osionfish. दो तरह का माइक्रोइर देखने मिलता है एक होता है बेटा, जो बाहर बनाता है, शीथ बनाता, उसे हम शीथिंग है, एक्टो उसके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा देखो एक तो हो गया ये रूट है मान लो ये रूट है इसके ऊपर इसके ऊपर जो माइक्रोइजर कनेक्शन है ये क्या है ठीक है ना और दूसरा माइक्रोइर क्या होता है जो रूट के ऊपर तो है ही सही लेकिन रूट के अंदर तक भी जो है वो कॉर्टेक्स तक अंदर तक पहुंचा होता है ओके ये कहलाता है वेसिकुलर इसे बोलते हैं वेसिकुलर अरवस्कुलर माइको राइजा के वाम कहते हैं इसको शॉर्ट में वेसिकुलर अर माइकोराइजा इसको हम कहते हैं वेसिकुलर अर वस्कुलर माइकोराइजा इसको हम कहते हैं के और ये हमने ऑलरेडी मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी देखा हुआ है क्लियर ठीक देखिये आप ना ये हालांकि इमेज बहुत क्लियर नहीं है और एक्चुअल एक्चुअल पर ये इमेज है तो आप देख रहे हैं रूट के अंदर फोटोग्राफ लिया गया है तो हम देख रहे हैं उसमें कि आपको जो दिखाई ये रूट का अंदरूनी हिस्सा है आपको दिखाई पड़ रहा है ये ये देखिए जो है वो ये क्या है ये फंजाई के आपको हाइफी यहां पे अंदर दिखाई दे रहे हैं फंजाई के आपको हाइफी अंदर दिखाई दे रहे हैं ठीक है देखिए ना ये ये है है जो बाहर से पूरा रूट को कवर कर लिया और ये रूट के समान हमको दिखाई पड़ रहा है ये सब फंजाई की फंगल टाट और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और मैंने कहा ना स्पेसिफिकली फॉस्फेट का न्यूट्रिशन इनहांस करती है ठीक है देखिए पर हम देख रहे हैं ना किस प्रकार छोटा सा प्लांट है और उसके अंदर का जो जो अंदर देखिए रूट तो उसकी यहीं खत्म हो गई रूट तो उसकी यहीं खत्म हो गई रूट तो यहीं खत्म हो गई और जो दिखाई पड़ रहा बाकी ये सब क्या है ये सारा का सारा जो है ये फंज सबका सब क्या है बेटा ये सब, सब जो है वो फंजाई है ये फंजाई है ये फंजा� फंजाई है के जो गहरा तक गया हुआ, के ये को बतलाता है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि दो प्लांट हमने लगाए सेम 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 एज के के टाइप दो प्लांट है एक गमले में नहीं है और दूसरे में माइक्रोइर फंजाई प्रेजेंट है देखिए आप दोनों की ग्रोथ में कितना फर्क है के दोनों की ग्रोथ में फर्क आपको दिखाई पड़ रहा है एंड सेम टाइप के प्लांट है सेम एज के प्लांट है सेम सीड से प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ सीड से प्रोड्यूस किए गए प्लांट है आप देख रहे हैं इसमें माइक्रोइजर कनेक्शन नहीं है इसमें Hey, दोनों की ग्रोथ में आपको साफ साफ अंतर दिखाई पड़ रहा है ठीके? ठीक है ठीक माइक्रोजा इकोसिस्टम को स्टेबल करते हैं प्लांट को मोर प्रोडक्टिविटी के लिए एनहांस करते हैं क्योंकि उनके पौधे की वाटर और के लिए एबिलिटी बढ़ जाती है तो, दी ग्रोथ। तो मैंने कहा ऑलमोस्ट ऑल प्लांट डिपेंड्स ऑन माइक्रक्सटेंट के ऐसा नहीं कि जिम्नोस्पर्म के अलावा दूसरे पौधों में माइक्रोइा कनेक्शन देखने नहीं मिलते हैं दूसरे पौधों में भी माइक्रोइजा कनेक्शन होते हैं बेटा लेकिन जिम्नोस्पर्म के लिए एसेंशियली मेनिट्री होता है उसके बगैर जिम्नोस्पम ग्रो नहीं कर सकता है बाकी फ्लावरिंग प्लांट एंगोस्पम के लिए ऑप्शनल होता है तो अच्छी बात है ठीक है दो तरह का माइक्रोइजा मैंने कहा और अरवेस्कुलर माइक्रोइजा तकरीबन 150 सौ फंजाई की स्पीशीज़ में इन्वॉल्व होती है और तकरीबन ऑल प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसमें हमको ये देखने मिलता है ठीक जबकि एक्टो माइक्रोइजा में 5,000 से लेकर 10,000 थाउजेंड स्पीसीज ऑफ फंजाई की इन्वॉल्व होती है और तकरीबन 2000 ट्री की स्पीशीज में हमको ये देखने मिलता है ठीक है

पैथोजेनिक बोलेंगे के पैथोजन का मतलब होता है बीमारी पैदा करने वाला कारक के और बीमारी का पैदा करने वाला मतलब हम जो बीमारी पैदा करने की एबिलिटी होती है उसे हम पैथोजेनिक बोलते हैं ठीक है तो पैथो पैथोजन मतलब बीमारी पैदा करने वाला रोगाणु पैथोजेनिक मतलब बीमारी पैदा करने की क्षमता इनके अंदर होती है तो जो भी पैथोजेनिक फंजाई है वो पैरासिटिक होती है बेटा और पैरासिटिक फंजाई भी दो तरीके से होती है ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब वो लिविंग होस्ट के बगैर सरवाइव नहीं करेगी ठीक है उसको हमेशा लिविंग होस्ट चाहिए वो होगी ऑब्लिगेट मैंने कहा ना, कोई ऑप्शन नहीं, मतलब, नहीं है आपको परजीवी के में को ग्रो करना पड़ेगा। मतलब लिविंग होस्ट इज रिक्वाड के फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब यह होता है कि वो होती है, लेकिन विकल्प के तौर पर मेनली वो, वो सेप्रोफाइट होती है विकल्प के तौर पर और याद रखिए पैरासिटिक फंजे को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसमें आपको हॉस्टोरिया दिखाई पड़ेगा हॉस्टोरिया होता है सकिंग ऑर्गन एक तरह का ग्रोथ होगा जो फूड को सक करने में हेल्प करेगा ठीक है कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि एक फंजाई दूसरी फंजाई को खा जाती है कभी कभी देखा गया है कि एक फंजाई दूसरी फंजाई के ऊपर ग्रो करती है इसे हम बोलते हैं फंगल पैरासिटिज्म कहते हैं और फंगल पैरासिटिज्म के लिए हम जो है वर्ड यूज करते हैं हाइपर पैरासिटिज्म है, करते हैं व्हेन वन फंजाई पैरासाइट ओवर दी अनदर फंजाई इसे माइको पैरासिटिज्म कहते हैं या हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं और इसको पहली बार आर ए नॉले ने देखा था सेप्रोलेग्निया फंजाई में इसको पहली बार आर ए नॉले ने देखा था सेप्रोलेग्निया फंजाई में क्लियर ठीक है अब एनसीआर में क्या लिखा है न्यूट्रिशन के बारे में बेटा एक बार देख लेते हैं कि NCRT क्या लिखता है क्योंकि इतना सारा मैंने आपको बताया एनसीआर में है भी नहीं। कि नहीं क्योंकि हर बार मैंने आपसे कहा ना, जब भी मैं टेक्सट्रोमी पढ़ाता हूं ना चाहे मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊं प्लांट किंगडम पढ़ाऊं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊं उनके लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊं वर्ल्ड पढ़ाऊं तो हमेशा बच्चों के दिमाग आता है अरे सर तो यहां चले गए वहां से कहीं नहीं गए बेटा आपके साथ ही पूरे समय आपको बता दूं कि क्या फर्क फर्क जो है ये है कि मेरे लिए मेरे लिए मतलब ये कि जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करके काम फिनिश करके आपको भी लगा हाँ हो गया पूरा खाना पूर्ति करना बायोमेट्रिक्स का काम नहीं बायोमेट्रिक्स का काम है कि जो देना है ईमानदारी से बेस्ट पॉसिबल वे में देना है जैसे कि हम खुद एग्जाम दे रहे हो वैसे देना आपको के तो थोड़ा हो सकता है बेटा देखो तो हमारे पास क्या तरीका हमारे पास आपको पढ़ाने के अलावा क्या तरीका है हमारे पास कोई जादू की छड़ी होती कि छू देते तो कुछ चमत्कार हो गया होता तो अब तक पचास बार छू चुके होते आपको ठीक है नहीं है हमारा को पढ़ाना है आपको पढ़ना बस इसके अलावा बेटा तीसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास में जिंदगी बदलने का एक ही तरीका है जुट जाइए जाइए और बदल दीजिए यही तरीका तरीका है कोई तीसरा चौथा नहीं मतलब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में अच्छे से पढ़ेंगे अच्छा एग्जाम देंगे फोड़ के आएंगे एग्जाम में बाकी आपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे चलिए एनसीआर में क्या लिखा है मोस्ट आर Actually, all are पर की करती है? नहीं ना ठीक है पर एनसीआर ने लिखा तो हमने मान लिया भैया तुम बड़े हो तुम बड़े बोल रहे हो तो मान लिया है। हमने एंड एब्जॉर्व सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेट सब स्टेट एंड कार्ड है ठीक है देखिए अब

दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एनिमल कार दे पैरासाइट के और दे कैन लिव एज एक्ट सिम्बॉटिक रूप में भी रहती है बेटा और कहा एलगी के साथ लाइकिन में और फंजाई के साथ और हायर प्लांट के साथ में माइक्रो कनेक्शन आकर रहती है तो देखिए जितनी बातें मैंने आपको बताई ना बेटा मैंने आपको बताया सेप्रोफाइट के बारे में मैंने आपको बताया पैरासाइट के बारे में मैंने आपको बताया बेटा किसके बारे में जो है वो सिम्बॉटिक फंजाई के बारे में मैंने आपको बताया लाइकिन के बारे में मैंने आपको बताया माइक्रो के बारे में सारी बातें हैं कि नहीं इसमें सारी हैं तो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसेट इतना इतनी सी एक लाइन से काम नहीं बनेगा हमें इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन जाननी होगी ठीक है क्लियर चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये तो बात हो गई फंजाई के न्यूट्रिशन की अब आगे बढ़ते हैं कि फंजाई अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करती है आपको पता है कि फंजाई दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज के ये सबसे सफलतम जीव है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन के इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म में से एक है में से एक है ठीक है हमने कहा एक ग्रुप है तो उसमें से एक है थीके? और क्योंकि इनके पास में क्या होता है दे प्रोड्यूस

सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे कॉमन मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन कि फंजाई का एक पार्ट टूटा टूटे हुए पार्ट से नई फंजाई बन गई इट इज दी मोस्ट कॉमन मेथड फ्रेगमेंटेशन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज जब कभी रिंग होता है ठीक है खुजाया आपने तो जो फंजाई का, का जो हाइफी था वो रप्चर हुआ आपने हाथ यहां लगा लिया अब वो यहां ग्रो करेगा मतलब फ्रेगमेंट उसके जो होते हैं वो ग्रो करते लगा करके तो फंजाई जो होता है इसीलिए जब कभी किसी को फंगल डिजीज होती है ना बेटा तो उसको इलाज करते हैं ना तो उसको एक हम वो दवा भी देते हैं जिससे कि उसको ईचिंग ना हो हम उसको एंटी हिस्टामेटिक मेडिसिन देते हैं सिट्रीजिन हुआ लीबो हुआ कि जिससे कि उसको ईचिंग ना हो खुजली ना करे वो फिर लगाता है उसको दवा लगाएगा तो वहां इचिंग नहीं होगी तो वो बाकी जगह बॉडी में बाकी जगह पे नहीं फैलेगा फेल, ठीक है खैर अभी हम मेडिसिन नहीं पढ़ रहे इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम बायोलॉजिकल तो, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मैंने कहा फ्रेगमेंट सबसे कॉमन मेथड है उसके. फिर बडिंग मैंने आपको बताया था कि ईस्ट को हम बडिंग ईस्ट भी कहते हैं बडिंग बडिंग ईस्ट कहते हैं बडिंग फंजाई भी कहते हैं मतलब बर्ड क्या होता है एक फंजाई है इसमें लेटरल आउट ग्रोथ इसमें जो है वो एक लेटरल इसमें एक लेटरल आउटग्रोथ बना

ईस्ट और स्लाइम बोर्ड इसके बेस्ट एग्जाम्पल है फिर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्लेमाइडोस्पोर

काफी समय तक ये कोई एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। जब कंडीशन सुधर जाएगी जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तब ये जर्मिनेट होके के फंजे को प्रोड्यूस करेंगे। इन्हें बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं ठीक है स्पोरुलेशन याद रखिएगा स्पोर का फॉर्मेशन फंजाई का करैक्टरिस्टिक फीचर होता है कि एंड स्पोर फॉर्मेशन इज दी करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दी फंजाई के और याद रखिए फंजाई में स्पोर दो तरह के होते हैं एक जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं वो स्ट्रक्चर दी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं ऐसी सेल या ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं ठीक है

ऐसे स्पोर जो सीधा हाइफी के ऊपर लगते होने हैं, हम कोनिडियो स्पोर कहते हैं या कोनिडिया कहते हैं और इस ऐसी हाइफी को हम कोनिडियो फोर कहते हैं और जब कर, जो कई बार क्या होता है बेटा जैसे हम जब स्पोरिंजम की बात करते हैं तो इस बकायदा जो है इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा इसे स्पोरिंजियम इस बोलेंगे इसके अंदर स्पोर इस बनेंगे ठीक है तो इसको जियो फोर जिस हाइफी के ऊपर जिस हाइफी के ऊपर स्पोरेंजियम होता है उसे स्पोरजियो फोर कहते हैं जिस हाइफी के टिप पर आपको स्पोरेंजियम देखने मिलेगा उस हाइफी को हम स्पोरजियो फोर कहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम है? स्पोरेंजियो फोर कहते हैं ठीक है और जिसके ऊपर कोनिडिया लगता है उसे कोनिडियो फोर कहते हैं कोनिडिया जो है वो डायरेक्ट लगने वाला स्पोर होता है और स्पोरेंजियो स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखो बेटा छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में लेकिन सब बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं हर एक स्टेटमेंट जो आपको प्लांट किंगडम में पढ़ाऊंगा जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं हर एक स्टेटमेंट एग्जाम का एक क्वेश्चन है बेटा याद रखिएगा अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की याद रखिएगा ऐसी सारी फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है वे सभी फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है उनको बोलते हैं हम परफेक्ट फंजाई बोलते हैं और जो नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम फंजाई कहते हैं और इसके लिए हम हाँ, फंजाई इन वर्ड भी यूज करते हैं ठीक है तो याद रखिए ऐसी फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, उन्हें हम परफेक्ट फंजाई बोलते हैं और ऐसी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती सारी सारी ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप का नाम है ड्यूट्रो या ड्यूट्रो माइकोटिना डिट्रो ड्यूट्रो तो माइकोटिना में वे सारी फंजाई आती है, जो है, जो जो हैं जो इमरफेक्ट हैं जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती मतलब ये चाहे कोई भी फंजाई हो के जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं करती है उसको आपको ड्यूटरोमाइसिटीज़ का मेंबर मानना है के? याद रखिए ऐसी फंजाई जो एस्को स्पोर बनाती है सेक्सुअल स्पोर आगे पढ़ेंगे हम एस्को स्पोर बनाती है एस्कोमाइसिटीज जो बेसिडियो स्पोर बनाएगी बेसिडियोमाइसिटीज जो सिटीजो स्पोर बनाएगी जाइगोमाइसिटीज के और ऐसी फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है वह होगी में क्लियर इसलिए हम इसको डस्टबिन ऑफ फंजाई कहते हैं मतलब जो भी फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी उसको आप ड्यूटरोमाइसिटिस का हिस्सा मान लेंगे आप क्लियर क्लियर चलिए अब फंजाई के हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं यदि फंजाई में फंजाई में मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फंजाई में प्रेजेंटेड के मतलब एक फंजाई है उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी उसमें के मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट के एक फंजाई में यदि मैं एक फंजाई में यदि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट के मैं सिंबल को ठीक कर लेता हूं प्लस और माइनस हम बाद में देखेंगे के मैं यहां पे सिंबल बताऊं ठीक मानता हूं के जी फंजाई में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है इसमें तो हम क्या बोलेंगे ऐसी फंजाई को हम बोलेंगे कि ये एक अकेली मोनो मतलब एक एक अकेली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है और एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कर पाएगा जब उसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे देखो बेटा कंफ्यूज करता है इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं मोनोसियस एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है मोनो एक सीएस मान लेते हैं हम कि एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम है तो इसका मतलब यह हुआ कि मोनोसियस मतलब बाई सेक्शुअल फंजाई ठीक है मतलब एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है क्लियर ठीक है, है सेल्फ सेल्फ होती है 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 मेल और फीमेल पार्ट दोनों इसके पास प्रेजेंट होंगे ठीक है इसलिए बाइसेक् बोलेंगे और एक अकेला जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा इसे मोनोस फंजाई बोलेंगे या हार्मेफ्लोरेड फंजाई बोलेंगे अब डायोस फंजाई का मतलब क्या है डायो मतलब होता है दो दो मिलकर टू दो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे मतलब एक होगा मेल एक होगा फीमेल इसका मतलब यूनिसेक्सुअल मेल यूनिसेक्सुअल फीमेल ठीक है तो मैंने क्या कहा डायसोस फंज मतलब सेल्फ स्ट्राइल एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा ऑलवेज नीड ए पार्टनर तो यह या तो मेल होगी या फीमेल होगी ठीक है अब लोअर फंजाई जो होती है क्या होता है उनमें आपको सेक्स ऑर्गन समझ में ही नहीं के वो फंजाई मेल है फीमेल ही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अलग से कोई सेक्स दिखाई नहीं पड़ेगा तो ऐसी फंजाई आप अलग से सेक्स को नहीं कर पाते हैं मोरफोलॉजिकली दिखाई पड़ता है उन्हें प्लस माइनस फंजाई कहते हैं के तो ये प्लस मतलब मेल पार्ट मान लीजिए माइनस मतलब फीमेल पार्ट मान लीजिए तो उसको प्लस माइनस फंजाई कहते हैं याद रखिएगा ठीक है तो इसका मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनोशा खुद अपना और इनको पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है और सेक्सुअली इनडेफ्रिश फंजाई को हम क्या बोलते हैं प्लस माइनस फंजाई भी कहते हैं ठीक है चलिए फंजाई में भी होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक के होमोथेलिक का मतलब यह है कि hi sorry to disturb you in between lecture but it's important to inform you you should download bio mentors app from google play store we need your support so please take subscription to become an official commando of bio mentors bye bye continue yeah, your lecture एक दूसरे को फर्टिलाइज कर सकते हैं के का मतलब होता है दे आर सेल्फ इनकॉम्पिटिबल के इनको ये एक अकेला यदि मान लो सुनिए बात ध्यान से कुछ फंजाई हेट्रोथेलिक होती है हेट्रोथेलिक फंजय का मतलब है कि उस फंजाई के पास में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है लेकिन उसका मेल उसके फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है इसके पीछे जेनेटिक रीजन होते हैं और ये जेनेटिक रीजन क्या होते हैं हम आगे जब हाइट्रोथेलिज पढ़ेंगे तब बात करेंगे तब हम बात करेंगे ठीक है तो अभी हम छोड़ देते हैं इतना समझ लेते हैं कि कुछ फंजाई ऐसी होती है जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं लेकिन तब भी उनका थैलस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है तो ऐसी फंजाई को हम हेट्रोथेलिक फंजाई कहते हैं अब ये क्यों होता है हम आगे बात करेंगे ठीक है अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं

मेल यदि मेल और फीमेल गेमिटेंजा दोनों गेमिटेंजा अलग अलग दिखाई पड़ेगा एनाइसो गेमी टें बोलेंगे मेल गेमिटेंजा को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं फीमेल गेमीटेंजा को हम उ कहते हैं याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के यदि मेल और फीमेल गेमिटेंजा अलग अलग दिखाई पड़ेगा हम उसे एनाइसो गेमिटेंजा बोलेंगे मोरफोलॉजिकली डिसिमिलर होगा मेल गेम के लिए हम एंथ्रीडिया वर्ड यूज करेंगे फीमेल गेमिटेंजिया के लिए हम उ वर्ड का यूज करेंगे ठीक है एस्कोमा फंजाई में जो फीमेल गेमिटेंजिया होती है उसको हम एस्कोगोनिया कहते हैं ठीक है इसमें एक लंबी सी हमको नेक दिखाई पड़ती है इस नेक को हम बोलते हैं ट्राइको गाइन बोलते हैं इसको ये एस्कोगोनिया एस्कोगोनिया है में आपको जो है एस्को गोनिया में इसका न्यूक्लियसा इसका और एक लंबी सी नेक दिखाई पड़ती है इसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं तो एस्कोमाइसिटिस में फीमेल गेमीटेंजिया को बेटा हम जो है वो एस्कोगोनिया कहते हैं हम ठीक है ठीक अब व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके का होता है ओगेमी देखो बेटा जब मेल और फीमेल गेमिट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो आप देखकर बता नहीं पाएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है आपको बताने में दिक्कत हो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमिट फ्यूज करेंगे आइसोगेमी बोलेंगे के जब मेल गेमिट जो है वो जो फीमेल गेमिट साइज में बड़ा होता है मेल गेमिट साइज में छोटा होता है इट इज मोर एक्टिव इट इज मोर एक्टिव इट इज लेस एक्टिव फीमेल गेमिट कम एक्टिव होता है मेल गेमिट मोर एक्टिव होता है साइज में फर्क होता है ये एनआईसी गेमिंग खिला जब फीमेल गेमिट जो होता है जब फीमेल गेमिट जो है वो नॉन मोटाइल होता है और मेल गेमिट जो है वो काफी छोटा और मोटाइल होता है इसे ऊ गेमिंग बोलते हैं ठीक इसको हम इस समय ओवम बोलते हैं इसको हम ठीक है याद रखिएगा तो आप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन तरीके होते हैं तीन मेथड होते हैं पे मेल और फीमेल गेमिट दोनों एक समान दिखाई पड़ते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं एंड फिजोलॉजिकलीमी मेल और फीमेल गेमिट आपको अलग अलग एक्टिविटी में दिखाई पड़ते हैं फीमेल गेमिट लेस एक्टिव होता है मेल गेमिट मोर एक्टिव होता है ऊ गेमी में फीमेल गेमिट एक्टिव नहीं होता है मेल गेमिट ही अकेला एक्टिव होता है ठीक है ये कॉमन कॉन्सेप्ट बेटा है एलगी में भी यही काम आएंगे में भी यही काम आएंगे ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको तीन अवस्थाएं तीन फेज देखने मिलती हैं सबसे पहले देखो ये एक गेमिट है मान लो ठीक है ये दूसरा गेमिट है जब ये गेमिट सबसे पहले फ्यूज करेंगे क्या होगा दोनों गेमिट की सरफेस दोनों गेमिट की सरफेस ऐसे फ्यूज करेगी सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले दोनों गेमिट का साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा सरफेस सरफेसूज साइटोप्लाज्म मिलेगा आपस में ठीक है इसके बाद क्या होगा बेटा इसके बाद दोनों फ्यूज किए आपस में इसके बाद क्या होगा इनका न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आएगा ये मूव करेगा फाइनली क्या होगा, होगा ये कि इनके जाएंगे उसके बाद क्या हुआ बेटा उसके बाद हुआ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और जो न्यूक्लियस आया था बेटा वो क्या था एनप्लॉइड एंड हैप्लॉइड फ्यूज हुआ तो क्या बन गया टू एंड कंडीशन बन गई डिपोलाइड कंडीशन बन गई गईड बन गया ये थे? ये के क्या बन गया ये बन गया बन गया ये है ना ठीक है फिर इसमें क्या होगा इसमें होगा मियोसिस मियोसिस होगा इसमें हैपोलाइड न्यूक्लियस फिर से बन जाएंगे फिर से हैपोलाइड न्यूक्लियस बन जाएंगे ठीक है तो मतलब ये हो गया तीन स्टेप देखने मिले आपको फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस

विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन फंजाइ हेप्लाइड होती है तो उसका जो डिप्लाइड न्यूक्लियस है वो म्यूसिस करेगा ताकि हेप्लाइड फंजाइ बन सके इसका मतलब ये फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस केरोगेमी और इसके बाद होता है म्यूसिस टू एस्टैब्लिश दी हेप्लाइड कंडीशन अगेन के दोबारा से हेप्लाइड कंडीशन क्रिएट करने के म्यूसिस होता है क्लियर ठीक है चलिए अब प्लाज्मोगैमी किस तरीके से होता है ये भी देख सकते हैं कि यदि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो किस तरीके से होता है तो प्लाज्मोगैमी के लिए बेटा पांच तरीके होते हैं ठीक है फाइव मेथड होते हैं पहला होता है गेमिटेंजल कॉपुलेशन सीधा गेमिटेंजिया फ्यूज करती है मेल और फीमेल गेमिटेंजिया सीधा फ्यूज कर जाती है दूसरा होता है प्लेनो गॉपुलेशन एक मेल गेमिट जो है वो मूव करता है मूवमेंट करता है तेरता तो हुआ फीमेल गेमिट तक पहुंचता है फ्यूजता है यहनोगैमिटिक कॉपुलेशन आता है गेमिटेज कॉन्टेक्ट मेल और फीमेल गेमिटेन के बीच में एक ट्यूब बनता है और उस ट्यूब से गेमिट मूव करता है गेमिटेनियल कॉन्टेक्ट चलिए देखते आगे हम स्परमेटाइजेशन यहां पर जो मेल गेमिट है वो छोटे साइज का होता है स्पर्मेशिया बोलते हैं फीमेल गेमिट जो होता है उसमें लंबी नेक होती है एस्कोगा ट्राइकोगाइन बोलते हैं और वो ट्राइकोगाइन से स्पर्मेशिया फ्यूज करता है ठीक है नास्ट होता है सोमेटोगेमी हाइफी के अंदर ना मेल गेमिटन जब बनती नहीं है दो हाइफी सीधा फ्यूज कर जाती है दो हाइफी सीधा फ्यूज कर जाती है और उनके डिफरेंट न्यूक्लियस एक साथ आते हैं उसे सोमेटोगेमी कहते हैं ठीक है चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं गैमिटेंजल कॉपुलेशन की अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत डिटेल में हो रहा है ये तो है मैं कह रहा हूं बेटा आपसे ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये सारे पोर्शन वो हैं जहां से एग्जाम आपको बाउंसर फेंक सकता है और फिर वहां पे हमारे पास में रिग्रेट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा इसलिए प्लीज एक बार सुन लीजिए इसको गैमिटेनियल कॉपुलेशन क्या होता है ये मैंने कहा ये एक फंजाई है एक फंजाई ये है इसका यह गैमिटेंजा इसका ये इसका ये मेल गैमिटेंजा के दूसरी फंजाई है ये इसका ये फीमेल गैमिटेंजियल के फीमेल फेदर के दोनों अब इसमें क्या होता है बेटा गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है कि ये मेल गैमिटेंजिया फीमेल गैमिटेंजिया तो यहां पर गैमिट फ्यूज नहीं करता है कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमिट इट इज द फ्यूजन ऑफ द गैमिटेंजिया दोनों गैमिट ने इट इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ गैमिटेंजिया के गैमिटेंजिया यह, गॉट फ्यूज्ड के ये यहां पर

ठीक है दूसरी फंजाई है ठीक है अब दोनों फ्यूज नहीं कर रहे हैं ठीक है ना गैमिट बाहर रिलीज कर रहे हैं बल्कि दोनों के बीच में क्या हुआ दोनों के बीच में एक जो है वो ट्यूब बन गया ठीक है एक ट्यूब बन गया ये ट्यूब यहां से यहां तक एक ट्यूब बन गया है और एक तरफ का कंटेंट यहां का कंटेंट मूव करता हुआ ट्यूब के इस हिस्से में

ये और स्परमेटोग बनता है जो मेल जहां पर उसको हम इस बार और बोलेंगे। फीमेल को हम एस्कोगोनिया बोलते हैं ठीक है, है। इसमें एक लॉन्ग रिसेप्टिव नेक होती है इस नेक को हम क्या बोलते हैं ट्राइको गाइन कहते हैं साथ साथ डायग्राम बनाते अच्छा होगा बेटा है ना ठीक है ये है एस्कोगोनिया ठीक है और ये है स्पर्मेशिया है ना तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो है ये स्पर्मेशिया इसकी नेक से फ्यूज करता है और अपना न्यूक्लियस यहां आपने छोड़ देता है सुनना बात को ये नेक से फ्यूज किया फ्यूज किया नेक से नेक से फ्यूज किया अपना न्यूक्लियस इसने इसमें छोड़ दिया ठीक है छोड़ दिया इसने कुछ समय तक क्या होगा कुछ समय तक यहां पर क्या होगा बेटा कि जैसे ही वो अब चुकी नेक और नेक और नीचे का बेसल एस्कोगोनिया के निचले हिस्से में है न्यूक्लियस इसने कहां छोड़ा न्यूक्लियस को उसने ऊपर हिस्से में छोड़ा तो कुछ समय तक जो है इस सेल के अंदर डबल न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन बनी रहेगी इसे बोलेंगे डाई कैरियोन बोलेंगे इस कंडीशन में हम डाई कैरियोन बोलेंगे के में मेंशन किया गया डाई कैरियॉन बोलेंगे डाई फेज बोलेंगे डाई कैरियो फेस बोलेंगे तो मतलब यह है कि जो एस्कोमाइसिटीज एस्कोमा में जब मेल गेमिट फीमेल गेमिट से जब, जब जब जो है वो मेल गेमिट फीमेल गेमिट से फ्यूज करता है एक्चुअली डायरेक्ट फीमेल गेमिट से फ्यूज नहीं करता बल्कि वो एस्कोकोनिया गोनिया की जो लंबी नेक होती है ट्राइगोवाइन उसमें फ्यूज करता है वहां पर अपना मेल, अपना न्यूक्लियस छोड़ देता है तो कुछ समय तक जो है दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों जो है वो एस्कोकोनिया के अंदर एज इट इज प्रेजेंट होते हैं इस कंडीशन को हम डाई कैरियो कहते हैं क्लियर

ये इसमें सेक्सुअलिटी मैक्सिमम लेवल तक कम हो चुकी होती है रिड्यूस हो चुकी होती है है मतलब यहां पर एक प्लस है और एक हाई माइनस है एक प्लस मतलब मेल के समान हाई फी मतलब फीमेल के समान और दोनों डायरेक्ट फ्यूज करके यहां पे दो हाईफी अपोजिट स्ट्रेन की प्लस और माइनस आपस में सीधा फ्यूज कर जाती है डाई किलो कंडीशन डबल न्यूक्लियस वाली कंडीशन बन जाती है इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसको हम फंजाई के अंदर एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं हालांकि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है जब सेक्स ऑर्गन नहीं बना है तो ये एडवांस कैसे हो गया बेटा क्या होता है? फंजाई के से ना, तो सबसे आसानी से होने वाला है। तो फंजाई ने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए सबसे आसान रिप्रोडक्शन को चुन लिया इसलिए फंजाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ठीक है और हमको देखने मिलता है ठीक है फिर बात करते हैं है? मैंने आपको बताया था फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जब दो हैप्लाइड न्यूक्लियस एक साथ आते हैं बेटा तो फिर वो आपस में फ्यूज करते हैं और डिप्लाइड न्यूक्लियस बनता है जैसे ही जैसे ही डिप्लाइड न्यूक्लियस बनेगा उस अवस्था को हम जायोड बोलेंगे ठीक बड़ी संख्या में जो सिंपल फंजाई है साधारण फंजाई में क्या होता है केरोगेमी के तुरंत बाद प्लाज्मोगेमी के प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद केरोगेमी होता है कई सारी सिंपल फंजाई में क्या होता है कि पहले जो है प्लाज्मोगेमी होगा देन उसके इमीडिएट बाद होगा केरोगेमी हायर फंजाई में क्या होता है बेटा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है केरोगेमी जो है वो एक अंतर के बाद होती है मतलब प्लाज देखो क्या होगा हायर फंजाई में हायर फंजाई में पहले होगा प्लाज्मोगेमी ठीक है और इससे क्या बन जाएगा इससे डाई फेज बन जाएगा ठीक है मतलब ऐसी अवस्था बन जाएगी दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट है यहां पे उसके बाद फिर होगा कैरियोगेमी ठीक

एक्सेप्ट एक्सेप्ट एलबुगो एंड फ्यू मोर फंजाइज के कुछ फंजाई है इनको छोड़ दो आपके एलबुगो इज वेरी फेमस के इट इज दॉजिटिव फंजाई ऑफ दी व्हाइट ट्रस्ट ऑफ क्रुसिफर बार बार बता रहा हूं एग्जाम का सीधा क्वेश्चन एलबुगो कैनेडा जो है एलबुगो एल्बुगो कैनेडा इज दॉजिटिव एजेंट ऑफ दी व्हाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसफर इज के क्रुसिफर ड mustard में मस्टर्ड mustard, क्रसमिली का व्हाइट ट्रस्ट ऑफ मस्टर्ड वाइटिफर उसका होता है म्यूसिस याद रखिए जायगोट में यदि होगा तो एम्ब्रियो बनेगा ठीक है डिप्लॉइड जीप बनेगा यहां पर जायगोट में क्या होता है म्यूसिस होता है तो हैप्लॉइड फंजाई बनती है ठीक है दो तरह के मोड हमको देखने फंजाई में मोस्ट ऑफ दाई में आपको जो है देखने मिलती है, लेकिन एल्बुगो में आपको जो है वो देखने मिलती है जो कि एक एक्सेप्शन है और इसको एक्सेप्शन के तौर पर ही याद रखिएगा ठीक है फिर बात करते हैं स्पोर्स की क्या परिणाम निकला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ठीक है तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं मतलब जब म्यूजिस होने के बाद रिजल्टेंट कुछ तो बनता होगा अब तो बन नहीं रहा है तो यहां पर स्पोर बनते है। बोलते है, कहते हैं उनको हम बेटा याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो सेक्सुअल है, स्पोर का फॉर्मेशन के तीन तरह के होते हैं एस्को स्पोर हमको एस्कोमाइसिटीज में देखने मिलते हैं ठीक है बेसिडियो स्पोर हमको बेसिडियो बेसिडियो My cities में हमको देखने मिलते हैं Zygospor हमको जो है वो जाइगो माई सिटीज में देखने मिलते हैं मतलब ये है जिसमें एस्कोस्पोर बनेगा वो बेसिडियोस्पोर बनेगा जाइगोस्पोर बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द दाई ठीक है देखिए एस्कोस्पोर की बात करते हैं ये एस्को माई सिटीज फंजाइयों बनते हैं ठीक है बोर तो नहीं हो रहा ना आप लोग देखो ऐसा है कि थोड़ा तो मजा लेना पड़ेगा थोड़ा तो समझना पड़ेगा इस चीजों को ठीक है और मैं इसलिए कई सारे लाइन डाइग्राम बना था कि आपको साथ में इंटरेस्ट है कि हम पढ़ क्या रहे हैं ठीक है तो और समझने की कोशिश कीजिए कि हम फनजाई की दुनिया को जानने के आप प्रयास कर रहे हैं ठीक है तो एस्को माइसिटीज में एस्कोस्पोर बनते हैं याद रखिए जब हुआ बेटा फ्यूजन हुआ जायगोट बना ठीक है जायगोट यानी एस्को माइसिटीज में जायगोट को आप बोलते हो एस्कस मदर सेल ठीक है क्योंकि इसमें होगा मियोसिस

चार से कितने बन गए अब ये आठ बन गए आठ क्या बन गए हिस्पोर बन गए के याद रखिए छोटे छोटे पॉइंट मैंने निकाले एकदम फाइन इंफॉर्मेशन एस्कोमाइसिटीज में जो जायगोट है उसको एस्कस मदर सेल बोलेंगे और इसके अंदर जो है होगा म्यूसिस उससे हमको जो है वो आठ एक होगा म्यूसिस चार स्पोर बनेंगे फिर एक होगा तुरंत बाद एक माइटस होगा तो, तो कुल आठ स्पोर बन जाएंगे और ये आठ स्पोर जो होते हैं ना ये कह होते हैं एस्कोस्पोर के और याद रखिएगा ये आठ स्पोर जो है हो, स्पोर होते हैं वो एस्को होते हैं इंटके और आठों के आठों जो है वो एक कॉमन है जायगोट का जो कवर है उसी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे इट के जायगोट के अंदर ये आठ हेप्लाइड न्यूक्लियस आठ हेप्लाइड न्यूक्लियस बन गए हर एक एक स्पोर के समान है ठीक है डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया मैं इसको बड़ा करता हूँ ऐसा ठीक है इसके अंदर ये फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है ऐसे ये एस ऐसे ये एस इसके अंदर बन गए हैं ठीक है क्लियर देखिए एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस इन ए सेकल कॉल्ड देखो ये जाइगोट ही इसके अंदर ही एस्कोस्पोर बनेंगे यहाँ पे डिवीजन हुआ एक एस्कोस्पोर दो तीन चार पांच सेवन एंड एट सात और आठ ठीक है तो आठ एसको बन गए। तो जो, सेक था, जो कवर था इसका इस कवर को बोल दिया हमने समझना बेटा जो स्पोर बन गया दिया हमने एस्को स्पोर ठीक है ये एस्को स्पोर बन गया इसके अंदर ठीक है ऐसे कई सारे एक फंजाई है मान लो ठीक है उसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी एक फल के समान बना थीके? उसके अंदर ऐसे कई सारे उसके अंदर ऐसे कई सारे जो है ये आपके एसकस प्रेजेंटेड के हर एक के पास में जो है वो ठीक है हर एक के पास में जो है वो ऐसे एस्कोस्पोर प्रेजेंटेड ठीक है तो ये फ्रूटिंग बॉडी जो फ्रूटिंग बॉडी इसको बोलेंगे हम एस्को ये क्या एस्कोकार ठीक है फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प है ये फ्रूटिंग बॉडी है इसके अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको जिसके अंदर कई सारे एस्कस पाए जाते हैं ठीक है एस्कोकार्पासी के बेसिकली क्या होता है एक तरह का सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोट होता है कवर होता है ताकि अंदर वो एस्कोकार्प एस्कस डैमेज ना हो एस्कोस्पोर डैमेज ना हो ठीक है सारे के सारे स्ट्रक्चर जो एस्कोकार्प के अंदर होते हैं अब इसमें कुछ हाइफी ऐसी होंगी जो इनके बीच में होंगी प्रोटेक्शन सेपरेट करने के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए के, तो पूरे के पूरे यानी पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कार्प के अंदर होता है उनको मिला के हम सेंट्रम कहते हैं आप देखिएगा एमसीक्यू कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन के उसे सेंट्रम कहते हैं हम ठीक है चार तरह के एस्कोकार्प होते हैं सुन लो ठीक है एक होता है बेटा कैसा एक होता है ऐसा गोल

और न्यूरोस्पोरा के लिए हम रेड मोल्ड वर्ड यूज करते हैं ठीक है न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला प्लांट भी कहते हैं। कभी ऐसा होता है किस फंजाई में कि जो है वो ऐसा होता है कि ये प्लेट, के समान प्लेट के समान होता है ठीक है और इसके ऊपर ऐसे एस्कस पाए जाते हैं ऐसे एस्कस पाए जाते हैं ठीक है

यहाँ पे यहाँ पे नहीं बता रहा हूं जो में नहीं। मुझे बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन चूंकि क्या होता है कि सम पीपल लूज इंटरेस्ट वो पढ़ना बंद करते हैं उन्हें लगता है नहीं यार ये तो कुछ अलग हो गया ठीक ऐसा नहीं है देखो मैं कह रहा हूं आपसे कि हो सकता है ना भी ना लेकिन बेटा यदि आ गया तो आंसर कौन करेगा आंसर आप करना चाहिए कोई दूसरा नहीं करना चाहिए इसलिए अपनी रेंज को हम बढ़ा के रखेंगे कि हम सार और ये मैं आपको बता रहा हूं कि बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसाइटी पढ़ रहे हैं अलग हटके नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है क्लियर बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं बेटा के जो बेसिडो में देखने मिलते हैं और इनकी जो जो इनका जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं ठीक है

कई बार लोगों ने देखा साइंटिस्ट ने देखा कि भाई आ, जो है ड्यूट्रोमाइसिटिस जिसको फंजाई इम्परफेक्टी कहा था हमने हमने कहा था ऐसी फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है वो इम्परफेक्ट फंजाई है उनको हमने कहा, कहा रखा उनको ड्यूट्रोमाइसिटिस रख दिया हमने ठीक है तो एक साइंटिस्ट थे दो साइंटिस्ट थे पॉन्टे कार्बो एंड रोपर के इन्होंने देखा कि जो ड्यूट्रोमाइसिटिस के कुछ मेंबर हैं वे अचानक से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगे अचानक से उनमें म्यूसिस होने लगा देखो बेटा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में म्यूसिस नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूसिस होता है पॉन्टेक्टर ने देखा कि यार ड्यूट्रोमाइसिटीज जो कई जो रखा हुआ हमारे पास में था कई दिनों से उसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं थी इसलिए तो वो ड्यूट्रोमाइसिटीज था लेकिन सडनली उसके अंदर भी सेक्सुअल एक्टिविटी देखने लगी देखने मिलने लगी तो जैसे हम बोलते हैं ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं था हम बोलते हैं परालौकिक घटना है ठीक है परानोमिक फिनोमिना है कुछ ईश्वर के चलते कुछ अलग से के। तो वो जो पैरा वर्ड है ना परा मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन वैसे ही ड्यूट्रो में अचानक से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलने लगा तो अब इनको लगा और, लगा ये कैसे हो गया मालूम चला कि क्या था उसके अंदर ड्यूट्रोमाइटीज में कई सारे लिए फंजाइए कई सारे प्रेजेंट उसके अंदर ठीक है सब एक जैसे और याद रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा डिसिमिलर न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं एंड न्यूक्लियस यदि दो फ्यूज करना है तो वो डिसिमिलर होंगे जेनेटिकली जेनेटिकली डिसिमिलर तभी फ्यूज फ्यूज करेंगे सिमिलर न्यूक्लियस नहीं करते ठीक है ये एक तरीका है प्रकृति का वेरिएशन को बढ़ाने के लिए तो ड्यूट्रोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि सारे न्यूक्लियस एक समान थे जब एक न्यूक्लियस में हो गया म्यूटेशन अब सुनिए कहानी क्या है

इसमें जो हैट्रोक्रोटिक कंडीशन है वो म्यूटेशन से होती है और इसके बाद जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर डिवीजन देखने मिलता है और इस कंडीशन को हालांकि माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं पर ये वर्ड ठीक नहीं है पर कई बार इसको एक, एक्जाम्पल यूज़ करता है तो याद रखिए चूँकि सिंपल सेल सेल थी उसमें म्यूटेशन हुआ उससे एक न्यूक्लियस अलग बन गया फिर फ्यूजन होने लगा फ्यूजन हो गया उसका और उसके बाद जो है लगातार म्यूशस होने लगा वहाँ पर ठीक है यह पहली बार इसको एस्परजिलस न्यूडुलेंस फंजाई में देखा गया पहली बार इसको एस्परजिलस न्यूडुलेंस फंजाई में देखा गया दोनों शामिल होते हैं ठीक है ना तो ये पहली बार पैरासे में देखा गया क्लियर इतना पढ़ लिया रिप्रोडक्शन के बारे में अब नजर तो मारनी पड़ेगी कि भैया एनसीईआरटी में क्या लिखा था देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बायस फ्रेगमेंटेशन हमने देख लिया बर्डिंग हमने देख लिया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है conidia, और spore, तो क्या क्या होता है? क्या होता है? है? इसकी बात की हमने स्पोर जो स्पुरंजियो स्पोर था वो क्या होता है जू स्पोर जो है आर बेसिकली मोटाइल जब जब स्पुरंजियो स्पोर मूव मोटाइल होते हैं गमनशील होते हैं उनको हम जू स्पोर बोलते हैं ठीक है थीके?

हावर इन अदर फंजाइ जैसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एक इंटरविनिंग डाइकेरोटिक स्टेज देखने मिलती है जहां पर मैंने कहा था कोई ट्राइकोगाइन इस पर मैं याद आया डाइकेरोटिक फेज देखने मिलती है जहां पर आपको दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन होती है इसको हम डाइकेरोन कहते हैं और इसे हम डाइकेरो फंगस कहते हैं और ये नीट में पूछा गया इसे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है क्लियर तो एस्कोमाइसिटिस बेस्टिडियोसिटिस में जब कभी प्लाज्मागेमी होती है उसके इमीडिएटली बात केरोगेमी नहीं होती है क्योंकि कुछ समय तक जो है दो न्यूक्लियस जो अलग अलग आए हैं वो एक साथ प्रेजेंट रहते हैं डाई केरोफिजम को देखने मिलती है क्लियर ये भी हमने देखा था है ना बेटा ठीक

कोनिडियस पर बनता है स्पोरेंजियस पर बनता है किस तरह का स्पोर बनता है फ्रूटिंग बॉडी किस तरह की होती है एस्कोकार्प होती है बेसिडियोकार्प होती है स्पोर का टाइप क्या होता है उसके आधार पर हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं आ गया वही जो बात शुरू में की थी वही ब्लास्टमाइसिटीज की बात आ गई यहां पे है ना ठीक है तो कुल मिलाकर बात यह है कि बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा है Is a is के, आज मैं चाहे कुछ भी करूं मैं डॉक्टर मतलब एक बार मेडिकल डिग्री आपके पास आ गया मतलब आप हमेशा जो है वो जीवन भर डॉक्टर रहेंगे के। ये केवल एक नौकरी या पैसा नहीं है यह टाइटल है जिसको अर्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ठीक है

To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.